अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है और एटीएम कार्ड आपके पास है नहीं, आप चाहते हो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम चलाना, तो आपको किसी ने बोला कि भैया एटीएम कार्ड की जरूरत होती है? कोई भी जरूरत नहीं होती, एटीएम कार्ड का काम खत्म हो चुका है। अब आप अपने आधार कार्ड की मदद से ही गूगल पे चला सकते हैं, फोन पे चला सकते हैं, पेटीएम चला सकते हैं। बस आपको जो है ना अपने आधार कार्ड की मदद से गूगल पे के थ्रू अपना यूपीआई पिन क्रिएट करना है। अगर आप गूगल पे के थ्रू अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर लेते हो आधार कार्ड की मदद से, तो आप गूगल पे तो चला ही पाएंगे, आप पेटीएम भी चला सकते हैं, आप फोन पे भी चला सकते हैं और भी जितने यूपीआई एप्स हैं वो सब चला सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो गूगल पे के अंदर बताने वाला हूँ कि गूगल पे के अंदर आपको अपने बैंक पीएनबी के अंदर आधार कार्ड से यूपीआई पिन क्रिएट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से होगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल विद प्रूफ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ले जाके बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा कि आपके पास पीएनबी बैंक अकाउंट है तो आपके आधार कार्ड में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए एंड आपके बैंक अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और सेम मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए और सेम मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, तभी आप गूगल पे के थ्रू अपना यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे आधार कार्ड की मदद से। ठीक है, क्लियर। चलो अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो, अब गूगल पे के अंदर आधार कार्ड से यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से गूगल पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। जैसे अब आप यहाँ पर गूगल पे को डाउनलोड कर लोगे, अब आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से परमिशन मांगी जा रही है तो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू गूगल पे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगाना है। यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर लगाइए जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। ठीक है, यहाँ पर हम वो मोबाइल नंबर लगा लेते हैं। मोबाइल नंबर लगाने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो कंटिन्यू आपको यहाँ से कर देना है। अब आपके सामने आ जाएगी आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी चूज करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि वन टाइम ओटीपी होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका गूगल पे अकाउंट यहाँ पर फाइनली बन चुका है और आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख सकते हो कि राइट साइड में आपको लोगो मिलता है, जो ईमेल आईडी आपने चूज़ की है उसका लोगो मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेफरल कोड मिलेगा, रेफरल कोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, यहाँ पर स्क्रीन पर कोड मिल रहा आपको जो हमने स्क्रीन पर लिख रखा है, तो ये कोड आप यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना खाली बॉक्स मिलेगा, खाली बॉक्स के अंदर आपको ये कोड लगा लेना जो हमने स्क्रीन पर दिया है। अगर आप ये कोड लगाते हो ना और फिर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 21 रुपए का साइनअप बोनस मिलेगा, यानी गूगल पे अकाउंट बनाने का आपको 21 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये काम कर लेना, फ्री फंड में आपको 21 रुपए तो मिलेगा ना मेरे भाई। अब आपको यहाँ पर जो है ना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला है तो यहाँ पर जाइए आप, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड बैंक अकाउंट का आ जाएगा, यानी अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक हमें पहले ही मिल जाता है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ से अलाउ कर देना है। उसके बाद फिर से परमिशन मांगी जा रही है, तो अलाउ कर देना है। अब ही सेंडिंग SMS होगा, आपके इस मोबाइल नंबर में रिचार्ज भी होना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना बैंक की तरफ से OTP आते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, यानी यहां पर आपको डेबिट कार्ड मांगा जा रहा है और नीचे आधार कार्ड। डेबिट कार्ड आपके पास है? नहीं होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। आपको अपने आधार कार्ड की मदद से यूपीआई पिन बनाना है, तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लो। अब आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने आ जाएगा इंटर फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार। आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट लगाने हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 नंबर लगा लीजिए। तो अपने आधार कार्ड के नंबर लगाने के बाद आपको यहाँ पर राइट का ऑप्शन मिल रहा, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा इंटर 6 डिजिट आधार OTP,
यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP आएगा। ये देख सकते हो आधार कार्ड का OTP आ चुका है और इससे पहले बैंक का OTP भी आ चुका। तो आधार कार्ड का OTP आएगा, वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, यहाँ से राइट कर देना है। इंटर 6 डिजिट बैंक OTP, बैंक की तरफ से भी जो OTP हमारे पास आएगा वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इन केस अगर आपका फिलअप नहीं होता है तो आप यहां पर फिलअप भी कर सकते हैं। अब देखो हमने यहां पर बैंक का OTP भी भर चुका है। अब यहां पर नीचे आपको राइट का ऑप्शन मिलता है तो राइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आ जाएगा सेट 6 डिजिट UPI पिन, यानी अब आप अपना UPI पिन क्या बनाना चाहते हैं वो UPI पिन आप यहां पर लगा लीजिए। ये UPI पिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप गूगल पे से किसी को ट्रांजेक्शन करोगे तो आपसे यही UPI पिन पूछा जाएगा। अगर आप बैंक बैलेंस भी चेक करोगे तो यही UPI पिन आपसे पूछा जाएगा। तो UPI पिन जो है वो आपको यूनिक सा बनाना है, यानी इस तरह का बनाना है जो आपको याद रह सके। एक बार UPI पिन लगाने के बाद नीचे आपको राइट का ऑप्शन मिलता है, राइट कर देना है। उसके बाद आपको आएगा कंफर्म 6 डिजिट UPI पिन। आपने जो UPI पिन अभी बनाया है उसी को दोबारा से कंफर्म कर दीजिए। अब यहां से आप एक बार राइट कर देंगे। राइट करने के बाद तो यहां पर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और यहां पर देख सकते हो कि आपका UPI पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट यहां पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि हमारे 3 बैंक अकाउंट यहां पर आ रखे हैं। तो इस तरीके से आपका गूगल पे बन चुका है और गूगल पे के अंदर आपका UPI पिन क्रिएट हो चुका है। अब आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप किसी के QR कोड पर पैसे डाल सकते हो या फिर पे कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद परमिशन मांगी जाएगी तो परमिशन दे देनी है। परमिशन दोगे यहाँ पे आप किसी भी अपने फ्रेंड का, मम्मी पापा, यार दोस्त का, किसी का भी नंबर लगा लीजिए जिस नंबर पे गूगल पे अकाउंट पहले से बना हो। यहाँ से आपको नीचे पे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पे का ऑप्शन मिलेगा तो पे पे क्लिक करना है। अब आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया तो पड़ा होगा ना भैया, तो 1 रुपये पे आप क्लिक करेंगे, 1 रुपया लगा दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर पे पे क्लिक करिए, यहाँ से आप यस करिए, कंटिन्यू करिए। यहाँ से लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है तो ऊपर से अलाउ करिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ये प्रोसेसिंग कर रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। अब देखो यहाँ पर आपसे UPI पिन पूछा जा रहा है। जो UPI पिन आपने अभी बनाया है वो UPI पिन आप यहाँ पर लगा लीजिए। UPI पिन लगाने के बाद नीचे राइट का ऑप्शन मिलता है तो राइट आपको कर देना है। जैसे राइट करोगे तो आपका 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में से क्या होगा, डेबिट होगा और अगले रिसीवर को ये पैसा जो है वो रिसीव हो जाएगा। अभी जो है ना कोई टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से पैसा नहीं डल पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं तो आपका डल जाएगा। और इसी तरीके से आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो बैंक बैलेंस चेक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। बैंक बैलेंस चेक पर क्लिक करेंगे और यहां से अपना UPI पिन लगाएंगे और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप समझ पाए होंगे किस तरीके से गूगल पे अकाउंट बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि कैसे आधार कार्ड की मदद से UPI पिन क्रिएट किया जाता है PNB बैंक के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आप सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।